नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे विधारा से होने वाले फायदों के बारे में। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि आयुर्वेद में विधारा को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। विधारा कई रोगों को दूर करने में लाभदायक होता है। किन बीमारियों में इसका उपयोग निरापद होता है, किस तरह से विधारा का उपयोग कर हम इससे फायदा उठा सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर शरीर के किसी अंग में खरोंच लगी हो या घाव बन गया हो, तो ऐसी स्थिति में विधारा के ताजे पत्तों को गर्म कर घाव पर बांधने से जल्द आराम मिलेगा। गैंग्रीन के रोगियों के लिए विधारा बहुत ही लाभकारी है। जिनके हाथ पैर की उंगलियां गलनी शुरू हो गई हैं या उनमें पस पड़ रहा है, वे विधारा के पत्तों का रस निकाल कर गैंग्रीन वाली जगह को उससे धोए। यदि घाव गहरा है तो विधारा के रस में रुई को डुबो कर उस पर बांधे, उसे 11 से 12 घंटे तक बंधा रहने दें, फिर पत्ते को बदल दें। कुछ समय तक ऐसा करने से बहुत जल्द ही घाव भरना शुरू हो जाएगा। आचार्य जी बताते हैं कि अल्सर के रोगियों के लिए विधारा बहुत ही लाभप्रद औषधि है। जिनको अतिसार के साथ रक्त स्राव होता है, वे विधारा के 2 से 3 पत्तों को पीसकर 1 कप पानी में रस बना लें और मिश्र मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। यदि मधुमेह के रोगी हैं तो बिना मिश्र मिलाए पिएं। ऐसा करने से भयानक अल्सरेटिव कोलाइटिस या रक्त स्राव में भी आराम मिलेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।